के नांदेड़ में धार्मिक जुलूस निकालने से रोकने पर गुरुद्वारे में जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। सोमवार को होला मोहल्ला का आयोजन करने के लिए सैकड़ों लोग गुरुद्वारा परिसर में जुटे थे, इनमें कई महिलाएं भी थी। पुलिस के रोकने पर वे भड़क गए। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उन्होंने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कई लोगों के हाथों में तलवारें भी थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन भीड़ के मुकाबले उनकी संख्या कम पड़ गई। वहीं यह भी बताते चले कि पुलिसकर्मियों पर हुए हमले के मामले में 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इधर नांदेड़ के SP ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों की वजह से होला मोहल्ला की अनुमति नहीं दी गई थी। इस पर गुरुद्वारा कमेटी ने भरोसा दिया था कि परिसर के अंदर ही कार्यक्रम करेंगे। शाम 4 बजे जब निशान साहिब को गेट पर लगाया गया तो लोग जुलूस निकालने के लिए बहस करने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो 300-400 लोगों ने गेट तोड़ दिया और पुलिस पर हमला कर दिया। इसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। हिंसक भीड़ ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इधर नांदेड़ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक निसार तंबोली ने बताया कि नांदेड़ के हजूर साहिब गुरुद्वारे में सिखों की ओर से होला मोहल्ला का जुलूस निकाला जाता है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते इस जुलूस को निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। इसकी सूचना गुरुद्वारा कमेटी को भी थी और उन्होंने भी भरोसा दिया था कि वे निर्देश मानेंगे और कार्यक्रम गुरुद्वारा परिसर के अंदर ही करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्देशों के बावजूद निशान साहिब को शाम 4 बजे गुरुद्वारे के गेट पर लाया गया। पुलिसकर्मियों ने मना किया तो सिख युवा उनसे उलझ गए और अचानक 400 से ज्यादा लोग हथियार लेकर बाहर निकले और पुलिसकर्मियों पर टूट पड़े। इस हमले में घायल एक कांस्टेबल की हालत गंभीर है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।